वैसे देखा जाए तो मैं शॉर्ट फिल्म्स का जो है रिव्यू लेकर के नहीं आता हूँ और देखता भी बहुत कम हूँ। अगर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगता है तो ही देखता हूँ, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने कार्बन देखा था और उसके बाद भी बहुत सारे कंटेंट देखे थे, लेकिन मैं ज्यादातर रिव्यू नहीं करता हूँ। बहुत कम ऐसे कंटेंट होते हैं जिसको रिव्यू करना जरूरी लग जाता है और ये भी उनमें से एक है। मैंने देखा है द डिवाइन रोमांस। अब इस टाइटल से ही आपको पूरा कंटेंट समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन अगर आपका दिमाग थोड़ा ज्यादा विकृत है, ज्यादा हो गया, अगर आपका दिमाग उस तरह से सोच नहीं पाता है, अगर आपको सिर्फ रोमांस के नाम पे ये लग रहा है कि एक लड़का और लड़की मिले, उनको प्यार हो गया, चलो सीधा मुद्दे पे आते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप चैनल पे नए हो तो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो, सो स्टोरी रहती है शिव और शक्ति की। अब ये लिटरली मत लेना, लेकिन इसमें शिव का कैरेक्टर है। तो स्टोरी का एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूं। एक ऐसी लड़की जो कॉर्पोरेट में काम करती है और अपने काम से तंग आ चुकी है और अब वो एक ब्रेक चाहती है, और उस ब्रेक के चक्कर में जो है वो घर से बाहर निकल जाती है और एक तरह से वो मॉडर्न वर्ड है ना, सोलो ट्रिप, उस पे निकल जाती है। वहीं जो दूसरा कैरेक्टर है वो ट्रैवल व्लॉगर है, मतलब जो ट्रैवलिंग करता है उसी का व्लॉग बना करके यूट्यूब में डाल देता है। अब दोनों की मुलाकात एक बस में होती है और उसके बाद से कहानी आगे क्या चल रही होती वो आपको देखना पड़ेगा। इस कहानी का क्लाइमेक्स जो है आपको बहुत ही यूनिक और एक फ्रेश सा फील दे करके जाएगा। और इस पूरे कहानी के ऊपर में एक चीज का ध्यान ज्यादा रखा गया है कि आपको बहुत ही सूदिंग फील हो। आप जो अपना 30 मिनट्स दोगे उसके अंदर में आपको कुछ अलग दुनिया दिखाया जाए। वैसे कहानी जो है लेह लद्दाख पे चल रही होती है, थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल टच मिलेगा और डिवाइन रोमांस नाम ही इसीलिए रखा गया है कि इसमें कहीं ना कहीं डिवाइन के साथ में अटैचमेंट बहुत ज्यादा रहेगा। तो आपको लड़का लड़की तो दिखेंगे, प्यार मोहब्बत वहां तक बात पहुंचती है या नहीं, और क्लाइमेक्स में ये दोनों क्या मैसेज देकर के जाते हैं व्यूवर्स को, वो मेन चीज है। तो पूरी कहानी को मॉडर्न रखा गया है, आपको फ्रेश फील करवाने की कोशिश की गई है, आपका 30 मिनट पूरे तरह से वर्थफुल है। सो सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए, बैकग्राउंड म्यूजिक की बात की जाए, या फिर बीच बीच में जो दो तीन गाने हैं, बहुत ही सूटेबल लगेगा आपको और आप देख करके बोलोगे कि हाँ यार अच्छा फील हो रहा है। एक्टर्स की अगर बात की जाए, दोनों को देख करके ही आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी। मुझे नहीं पता वो जगह वैसा था या फिर दोनों की एक्टिंग में इतना दम था या फिर दोनों के चेहरे में वो खासियत थी कि आपको एक पॉजिटिविटी दे करके जाए। तो भाई मुझे तो ये सारी चीज लगी। अगर आपके पास में 30 मिनट है तो आप जाकर के देखो द डिवाइन रोमांस और लो मजा कुछ अलग और फ्रेश कंटेंट का। दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस कंटेंट। व्हाट्स योर टेक? प्लीज डू कमेंट। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।